हेलो एवरीबॉडी, दिस इज दिग्राज सिंह राजपूत। वेलकम टू सोशल स्कूल। फॉरेस्ट सोसाइटी एंड कॉलोनियलिज्म, इस चैप्टर का लास्ट पार्ट है ये। अभी तक हम लोगों ने क्या डिस्कस किया है, तो चैप्टर में हम लोगों ने पूरी थ्योरी समझी अच्छी तरह से कि कैसे फॉरेस्ट सोसाइटी जो है कॉलोनियल टाइम पीरियड में इफेक्ट हुई थी। उसका एक एग्जाम्पल या फिर एक केस स्टडी जो हमने बस्तर वाली पिछले पार्ट में कवर कर ली थी। अब इस पार्ट में चैप्टर का लास्ट पार्ट है जहां पर हम इंडोनेशिया में जावा में जो पूरी की पूरी केस स्टडी है कि कैसे वहां की फॉरेस्ट सोसाइटी जो है कॉलोनियलिज्म के चलते इफेक्ट हुई थी, वो सब कुछ इस वीडियो में कवर करने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको एसेंस जो है टॉपिक का समझ में आ गया। बड़ा अच्छा चैप्टर रहा, लास्ट पार्ट है, तो चैप्टर को एक बार थोड़ा सा रिकॉल करें अगर पूरा, तो आपने ये देखा कि डिफॉरेस्टेशन के कारण क्या रहे। उसके बाद में राइज ऑफ साइंटिफिक फॉरेस्ट्री में आपने देखा कि साइंटिफिक फॉरेस्ट्री कैसे आई डेट्रिक ब्रैंडिस के बारे में, डायट्रिक बैंड्रिस के बारे में पढ़ने के साथ साथ में आपने फिर यह भी देखा कि उन्होंने जो साइंटिफिक फॉरेस्ट इंट्रोड्यूस करी उसका इंपैक्ट लोगों की लाइफ के ऊपर क्या पड़ा, लोग फॉरेस्ट के ऊपर कितने डिपेंडेंट थे लोगों में। फिर आप स्पेसिफिक कल्टीवेटर्स की अगर बात करो तो शिफ्टिंग कल्टीवेटर्स को सफर करना पड़ा, हंटर्स को सफर करना पड़ा, लेकिन इस पूरी प्रोसेस में नए ट्रेड, नया तरह का एम्प्लॉयमेंट, नए तरह के सर्विसेज भी डेवलप हुए। तो उसका कुछ पॉजिटिव पार्ट भी था कॉलोनियलिज्म का, लेकिन आप देखोगे तो उसका नेगेटिव एस्पेक्ट भी था। वो पूरा कवर करके बस्तर की पूरी स्थिति की, बस्तर में लोग कैसे थे, कहां रहते थे, बस्तर क्या है, वहां लोगों ने क्यों रिवॉल्ट किया, वो सब कुछ। एंड सिमिलर स्टोरी जैसा बस्तर में आपने देखा, वैसे ही सिमिलर स्टोरी आपको जावा, इंडोनेशिया के जावा में भी देखने को मिलेगी। तो वो हम इस पार्ट में कवर करेंगे और चैप्टर को पूरी तरह से कंप्लीट करेंगे। क्लियर हुआ, स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या है, तो कहानी कुछ ऐसी है, फॉरेस्ट ट्रांसफॉर्मेशन इन जावा। क्या कहता है फॉरेस्ट ट्रांसफॉर्मेशन इन जावा में, तो देखो कॉलोनियल रूल इन जावा वॉज बाय डच। डच मतलब कौन है, तो डच लैंग्वेज बोलने वाले नीदरलैंड के। जैसे मैंने आपको बताया कि इंडिया में ब्रिटिश रूल था, वियतनाम में जैसे फ्रेंच रूल था, वैसे ही थोड़ा और आगे निकल जाओगे आप तो डच जो थे वो नीदरलैंड के थे। तो डच जो थे नीदरलैंड किंगडम ऑफ, यूनाइटेड किंगडम ऑफ नीदरलैंड जो हुआ करता, तो वहां से लोग जो निकले थे उन्होंने जहां जहां कॉलोनाइजेशन किया तो वहां पर डच रूल आया। जैसे इंडोनेशिया में डच रूल आया, ठीक है, तो इंडोनेशिया में डच रूल आया। तो इंडोनेशिया क्या है, तो इंडोनेशिया देखोगे तो ये आइलैंड कंट्री है, ठीक। तो जावा, सुमात्रा, इस तरह से क्या है आइलैंड्स हैं, तीन चार आइलैंड जो है, तो ये आइलैंड मिलके पूरा इंडोनेशिया बनाते हैं। और इन पूरे आइलैंड में एक जो बड़ा आइलैंड जो है ये है जावा का आइलैंड, ठीक है। बड़ा आइलैंड जो है जावा आइलैंड जो है ये इंडोनेशिया का पार्ट है, समझ में आ गया। तो इंडोनेशिया में एक आइलैंड जो है ये जावा आइलैंड जो है, तो वहां पे किसका रूल था, वहां पे रूल था नीदरलैंड के डच रूलर्स का, उन्होंने नीदरलैंड पे कब्जा कर लिया। क्लियर हुआ, नीदरलैंड नहीं, उन्होंने जावा पे कब्जा कर लिया। तो टुडे जावा इज फेमस एज अ राइस प्रोड्यूसिंग आइलैंड इन इंडोनेशिया, ठीक है। बट वंस अपॉन अ टाइम इट वॉज कवर्ड मोस्टली विथ फॉरेस्ट। तो यू माइट बी सरप्राइज, आइला जादू कैसे कि एक समय पे जंगल थे और आज राइस प्रोड्यूसिंग एरिया के नाम से जाना जाता है, ऐसा कैसे हो सकता है। तो ऐसा ऐसे हो सकता है कि पहले जो एरिया पूरा का पूरा क्या था, जंगल में, जंगल के नीचे दबा हुआ था, उस पूरे एरिया के जंगलों को साफ कर दिया, जंगलों को साफ करते गए और क्या बना दिया, जंगलों को साफ करते गए और वहां पे आपको ये देखने को मिलता है कि जंगल साफ होते चले गए तो एग्रीकल्चरल लैंड क्लियर होता चले गया और उस एग्रीकल्चरल लैंड पे खेती करना शुरू कर दी, ठीक है। तो टुडे जावा इज फेमस एज अ राइस प्रोड्यूसिंग आइलैंड इन इंडोनेशिया, बट वंस अपॉन अ टाइम इट वॉज कवर्ड मोस्टली विथ फॉरेस्ट। डच स्टार्टेड फॉरेस्ट मैनेजमेंट इन जावा, और डच जो थे ना, तो ये नीदरलैंड के जो लोग थे उन्होंने, जैसे इंडिया में आप देख रहे हो कि इंडिया में डेट्रिक ब्रैंडिस ने आके क्या किया, साइंटिफिक फॉरेस्ट्री को इंट्रोड्यूस किया, वैसे ही यहां पे डच रूलर्स जो थे तो दे स्टार्टेड फॉरेस्ट मैनेजमेंट। क्यों, अगेन कहानी बड़ी सिंपल थी, उन्हें टिम्बर चाहिए थे, उनकी उन्हें भी उनकी रॉयल नेवी बनाना था, ठीक। तो आप यहां पे एक कॉमन पैटर्न क्या देखोगे कि हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ, इन हिस्ट्री जस्ट द फैक्ट फिगर टाइम एंड द इंडिविजुअल चेंजेस बट हिस्ट्री मूव्स इन अ पैटर्न। तो वही ये भी हुआ कि यहां पे भी जो कॉलोनियल पावर्स आए तो उनका भी वही ऑब्जेक्टिव था कि जंगल में से मैक्सिमम लकड़ियां हम ले सके, और मैक्सिमम लकड़ियां लेने के चक्कर में वो क्या करते थे, मैक्सिमम लकड़ियां लेने के चक्कर में उन्होंने फॉरेस्ट मैनेजमेंट स्टार्ट कर दिया जावा में, ठीक है। सिमिलर थिंग, तो दे स्टार्टेड टेकिंग आउट द टिम्बर फॉर शिप बिल्डिंग, ये कदम इन्होंने उठाए। अब जैसे आप देखोगे तो इंडिया के केस में भी क्या है कि जब फॉरेस्ट मैनेजमेंट या फिर साइंटिफिक फॉरेस्ट इंट्रोड्यूस किया गया, फॉरेस्ट लॉज आए, तो जो वहां के लोकलाइट्स थे, जो फॉरेस्ट डिपेंडेंट कम्युनिटीज थी, उन्हें सफर करना पड़ता था। वैसे ही आप देखोगे तो जावा में भी क्या है, जावा में भी वुडकटर्स थे और वो वुडकटर्स की कम्युनिटी का नाम था कलंग्स, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो कलंग्स कौन है, तो कलंग्स वर द स्किल्ड कम्युनिटी, द कम्युनिटी ऑफ स्किल्ड फॉरेस्ट कटर्स
एंड शिफ्टिंग कल्टिवेटर्स ऑफ जावा, मतलब ये वहां की फॉरेस्ट सोसाइटी है जावा की, ठीक है। स्किल्ड फॉरेस्ट कटर्स थे जो पेड़ काटने में बहुत माहिर होते थे, शिफ्टिंग कल्टिवेटर्स थे। अब क्या हो रहा है, तो कलंग्स वर दी वेरी इंपॉर्टेंट कम्युनिटी इन इतने इंपॉर्टेंट थे कि इनकी सिग्निफिकेंस समझना कि 1755 में जब माताराम किंगडम क्या है, तो वो वहां की इंडोनेशिया की इंडिजीनियस किंगडम जो थी जावा आइलैंड पे, जो रूलर्स थे ना। अब क्या होता है, घर बंटवारा तो होते ही हर परिवार में होता है, तो वहां पे भी जो किंगडम डिवाइड हुई तो माताराम किंगडम जब डिवाइड हुई तो 6000 कलंग फैमिली रहती थी पूरे किंगडम में। तो डिविजन में आदमी क्या करता है, एसेट्स का डिविजन करता है कि हाँ चार घर तुम्हारे चार घर हमारे, इस टाइप से। लेकिन यहाँ पे जब माताराम किंगडम का स्प्लिट हुआ तो वहां पे क्या देखने को मिलता है कि 6000 कलंग फैमिलीज जो रहती थी माताराम किंगडम में, तो ये इतने इंपॉर्टेंट कम्युनिटी थी कि 6000 को बराबर बराबर दोनों किंगडम में बांटा गया 3000। क्यों? क्योंकि इनकी जरूरत रहती थी। अब जब इतने इंपॉर्टेंट थे, दे हैड द एक्सपर्टीज इन हार्वेस्टिंग टीक, किंग्स कैन नॉट बिल्ड देयर पैलेसेस विदाउट देम, और ये इतने इंपॉर्टेंट थे कि राजाओं को अपना महल बनाना है तो महल कलंग कम्युनिटी के बिना नहीं बन सकता था। देवर दी स्किल्ड कल्टिवेटर्स ऑफ टीक फॉरेस्ट, फॉरेस्ट कटर्स थे, शिफ्टिंग कल्टिवेटर्स थे, तो इनकी सिग्निफिकेंस बहुत थी, ठीक है। अब ये इनके बारे में क्यों पढ़ रहे हैं हम, देखो तो दी वुड कटर्स ऑफ जावा के बारे में इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि जब कॉलोनियल पीरियड आया, जब डच रूल स्टार्ट हो गया जावा के ऊपर, तो वहां पे जो डच थे ना, डच ऑफिशियल्स जो थे, तो दे ट्राइड टू मेक कलंग वर्क अंडर देम। डच ऑफिशियल्स ये चाहते थे कलंग उनके अंडर में काम करें। अब कलंग ने क्या बोल दिया कि हम किसी के गुलाम थोड़ी ना है, ठीक है, फॉरेस्ट मैनेजमेंट में हम तुम्हारे लिए काम क्यों करें, ठीक है। तो इनफैक्ट व्हेन दे वर फोर्स्ड टू वर्क अंडर द कॉलोनियल गवर्नमेंट इन 1770, कलंग्स रेजिस्टेड बाय अटैकिंग अ डच फोर्ट एट जोहान, ठीक है, नहीं जोहान नहीं है, जोना। तो क्या हुआ कि जब कलंग्स को जबरदस्ती क्या किया गया, काम करवाया गया किसके अंडर में, जब कलंग्स को जबरदस्ती काम करवाया गया डच फॉरेस्टर्स, डच ऑफिसर्स के द्वारा, तो दे अटैक्ड ऑन द डच फोर्ट एट जोना, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, अटैक कर दिया, बट द अपराइजिंग वॉज सप्रेस्ड। अब लेकिन अब दिखती बात है, जैसे ब्रिटिश इंडिया में पावरफुल थे, वैसे ही डच जावा में पावरफुल थे, तो उन्होंने इस अपराइजिंग को सप्रेस कर दिया। तो लेकिन आपको यह बताया जा रहा है कि वहां पे जो फॉरेस्ट सोसाइटी थी, जो कि कॉलोनियल रूल में ज्यादा कॉलोनियलिज्म के चलते ज्यादा अफेक्ट हुए थे, वो कौन थे, कलंग्स थे। हु वर दी कलंग्स, इस तरह से क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट वर दी इशू एसोसिएटेड विद देम, व्हाई दे वर सो इंपॉर्टेंट, क्लियर हुआ हाउ दे वर अफेक्टेड विद दी कॉलोनियलिज्म, विद दी कॉलोनियल रूल्स। कलंग्स के बारे में एक छोटे से पैराग्राफ में एक सिंपल चीज बताई गई है। फिर क्या हो रहा है आगे, अब ये तो तय था कि फॉरेस्ट मैनेजमेंट लॉज वगैरह रूल्स वगैरह ले आए थे वहां पे डच ऑफिशियल्स, और उन्होंने इस पूरे पार्ट पे कब्जा कर लिया था जावा के, और वो अब अपने हिसाब से टिम्बर्स वगैरह को एक्सट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। तो डच ने भी क्या किया, साइंटिफिक फॉरेस्ट्री इंट्रोड्यूस करी। तो डच इनेक्टेड फॉरेस्ट लॉज इन जावा, जब जावा पे कब्जा कर लिया उन्होंने, तो डच कॉलोनियल ऑफिसर्स जो थे उन लोगों ने भी साइंटिफिक फॉरेस्ट्री इंट्रोड्यूस करी, उन्होंने फॉरेस्ट लॉज वगैरह इंट्रोड्यूस करे। अब जब उन्होंने फॉरेस्ट लॉज इंट्रोड्यूस किए, तो फॉरेस्ट लॉ में क्या किया उन्होंने, दे स्टार्टेड रिस्ट्रिक्टिंग विलेजर्स एक्सेस टू फॉरेस्ट। विलेजर्स एक्सेस टू फॉरेस्ट मतलब क्या है, उन्होंने ये बोल दिया कि विलेजर्स जो है अब कहां नहीं जा सकते हैं, जंगलों में नहीं जा सकते हैं, ठीक है जंगलों में नहीं जा सकते, पेड़ नहीं काटेंगे, कटिंग ऑफ वुड वॉज स्पेसिफाइड। उनसे बोल दिया कि सिर्फ तुम क्या है, नाव बनाने के लिए और घर बनाने के लिए ही लकड़ी काट सकते हो, तो इसके अलावा सर लकड़ी खाने के लिए तो काटेंगे नहीं, लेकिन और भी जो जरूरतें थी, ठीक है, उनको क्या कर दिया गया, रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया कि अब तुम ज्यादा पेड़ नहीं काटोगे, इस तरह से। क्लियर हुआ, इट वॉज अलाउड फ्रॉम स्पेसिफिक फॉरेस्ट एंड अंडर सुपरविजन। पेड़ काटने के लिए भी ऐसा नहीं कि जो अच्छी क्वालिटी का टिम्बर है वो काटने दिया जाएगा, ठीक है, एक स्पेसिफिक एरिया, यहां से जितना काटनी लकड़ी वगैरह वो काट लो, और अंडर सुपरविजन हम ऑफिसर्स जो है डच ऑफिसर्स वो देखेंगे कि तुम क्या काट रहे हो, ठीक है। तो विलेजर्स वर पनिश्ड फॉर ग्रेजिंग कैटल्स इन यंग स्टैंड, तो जो छोटे छोटे सैपलिंग्स होते हैं, पौधे जो भविष्य में जाके बड़े पेड़ बनेंगे, तो वहां पे क्या है, ग्रेजिंग नहीं करने दिया जाता था। ट्रांसपोर्टिंग वुड्स विदाउट परमिट, बिना परमिट के वुड्स को ट्रांसपोर्ट नहीं करने जाता था। ट्रैवलिंग ऑन द फॉरेस्ट रोड विथ हॉर्स कार्ट्स और कैटल, क्या बोलो तुम लकड़ी भर के ले जाओ, तो इसमें तो इस तरह से क्या है, बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस लगाए। अब मैं आपसे एक चीज बोलूंगा, क्या बोलूंगा, जरा रिकॉल करो, क्या रिकॉल करो, ठीक है, याद करो करण अर्जुन वाले मोड पर जाके पीछे चीजों को, तो आपको समझ में आएगा कि यही सारा केस तो इंडिया में भी था, कि जब इंडिया में फॉरेस्ट लॉज आए तो उसके चलते ऐसे ही रिस्ट्रिक्शंस कि विलेजर्स वर नॉट अलाउड टू मूव इनटू द फॉरेस्ट, टाइप ऑफ फॉरेस्ट वर रिजर्व्ड, है ना। तो हिस्ट्री इज मूविंग इन अ पैटर्न, वही चीज, वही सारे अत्याचार जो है यहां पे आपको जावा में भी देखने को मिल रहे हैं। जावा की जो फॉरेस्ट सोसाइटी थी उसको भी वही सब कुछ सफर करना पड़ा, ठीक है, फॉरेस्ट सर्विसेज यहां भी इंट्रोड्यूस हुई है, ठीक है। फॉरेस्ट सर्विसेज का काम क्या था, फॉरेस्ट को मैनेज करें ताकि शिप बिल्डिंग और रेलवे के लिए वो
वो जो ऑफिसर्स हैं डच ऑफिसर, वो ज्यादा से ज्यादा टिम्बर निकाल सके जावा के जंगलों से। समझ गए? ठीक है, तो इस तरह से क्या हो रहा है कि फॉरेस्ट सर्विसेज इंट्रोड्यूस की गई है। ध्यान रखना, तो हाउ द डच साइंटिफिक फॉरेस्ट्री वॉज सिमिलर टू द साइंटिफिक फॉरेस्ट्री इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया, तो बोथ द थिंग्स वर सेम। बस ये जो भी हो रहा है वो जावा में हो रहा है, वो जो भी हो रहा था इंडिया में हो रहा है। क्लियर हुआ? तो ध्यान रखना, हाउएवर ऑब्टेनिंग टिम्बर रिक्वायर्ड लेबर। अब लेकिन समस्या थी, हम क्या समस्या थी ये पॉइंट समझना अच्छे से, कि उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक तरह से साइंटिफिक फॉरेस्ट इंट्रोड्यूस कर दिए, लोगों का मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट कर दिया है, ये सारी चीजें तो कर दी है, लेकिन समस्या ये थी कि पेड़ अगर जैसे आपको टिम्बर चाहिए ना, तो टिम्बर सिर्फ टिम्बर चाह लेने से टिम्बर चल के आपके पास नहीं आ जाएगा, आपको लेबर चाहिए रहेगा जो पेड़ों को काटे, जो उन पेड़ों को काटने के बाद में क्या करे, आपको लेबर चाहिए रहेगा जो पेड़ों को काटे, पेड़ों को काटने के बाद में एक तरह से क्या करे, सारी चीजों को जो पूरे वो रहेंगे उनको एक जगह दूसरे जगह ट्रांसपोर्ट करवाए, मैनेज करे सारी चीजें। और अब ऐसा तो है नहीं कि डच ऑफिशियल्स जो हैं तो वो डच ऑफिशियल्स से खुद हथियार उठा के पेड़ काटना चालू कर देंगे। ठीक है, उन्हें इतना आता तो फिर क्या ही बात थी। तो इस केस में क्या है, दे रिक्वायर्ड लेबर टू कट ट्रीज, ट्रांसपोर्ट द लॉग्स, प्रिपेयर्ड द स्लीपर्स। तो अब ये कैसे किया जाए, सवाल ये था कि ये कैसे किया जाए। तो देयरफॉर डच फर्स्ट इंपोज्ड लैंड, नहीं, देयरफॉर डच फर्स्ट इंपोज्ड रेंट ऑन लैंड बीइंग कल्टीवेटेड। तो उन्होंने क्या बोल दिया कि लोग खेती कर रहे हैं इनके ऊपर टैक्स लगाओ, टैक्स लगाएंगे तो इन्हें पैसे देना पड़ेंगे। ठीक है, अब पैसे देना पड़ेंगे तो पैसे कहां से लाएंगे, फाइन, तो उसके चलते क्या होगा, हम कुछ लोगों को बोल देंगे कि तुम्हें टैक्स नहीं देना है, देन दे एग्जेम्प्टेड सम विलेजेस फ्रॉम दीज रेंटल्स। समझ रहे हो ना क्या हो रहा है, कि इन्हें लेबर चाहिए डच ऑफिशियल्स को, जो लेबर क्या कर सके उनके लिए लकड़ी साफ करना, काटना, पीटना, ये काम कर सके। ठीक है, अब वो लेबर कहां से मिलेगी, तो लेबर की व्यवस्था उन्होंने कैसे करी, कि सबसे पहले ऑफिसर्स ने रेंट लगा दिया कल्टीवेशन पे, अब रेंट लगा दिया, सबको रेंट देना पड़ रहा, सबको टैक्स देना पड़ रहा एक तरह से। और फिर उन्होंने क्या किया, उन्हीं ने कुछ विलेजेस के ऊपर से टैक्स हटा दिया, रेंट हटा दिया, कि बोल दिया नहीं नहीं तुम रेंट मत दो। वो विलेजर सोच रहे कि हमारे ऊपर मेहरबान क्यों हो रहे इतना, तो उसके पीछे कहानी ये थी क्या, कि तुम्हें रेंट नहीं देना है सिर्फ एक कंडीशन पे, वो एक कंडीशन क्या होगी, वो एक कंडीशन होगी ऑन द कंडीशन दैट दीज विलेजेस वर्क कलेक्टिवली टू प्रोवाइड फ्री लेबर्स एंड बफेलोज फॉर कटिंग एंड ट्रांसपोर्टिंग टिम्बर्स। देख रहे हो ना यहां पे विनोद, देखो जरा समझो क्या हो रहा है, डच कॉलोनियल ऑफिसर्स वर लाइक दिस इज बिजनेस। क्या उन्होंने सीधा सा गणित खेला कि हमें लेबर चाहिए रहेगा, तो लेबर के लिए हम क्या करेंगे, इन लोगों के ऊपर पहले रेंट लगाते हैं, कुछ लोगों को बोल देंगे तुम्हें रेंट नहीं देना है, और तुम्हें रेंट क्यों नहीं देना है, बर्थडे में नहीं आए हमारे, तुम्हें रेंट इसलिए नहीं देना है क्या, कि तुम बदले में क्या करो, हमारे लिए काम करो कलेक्टिवली, तुम हमारे लिए क्या काम करो, फ्री लेबर्स का काम करो, कि हम तुम्हें खेती करने देंगे, तुमसे रेंट लेंगे, लेकिन तुम्हें बदले में आके हमारे लिए पेड़ वेड़ काटना होगा, हमें फ्री लेबर प्रोवाइड करना होगा। वॉज दिस द केस इन इंडिया? जी हाँ, इंडिया में भी होता था, कुछ लोगों को क्या बोलते थे कि फ्री लेबर प्रोवाइड करो। ठीक है, तो फ्री लेबर प्रोवाइड करना पड़ेगा, और उनकी बफेलोज को बुलाया जाता था, क्यों, बफेलोज भी पेड़ काटती थी क्या, नहीं, ट्रांसपोर्टेशन के लिए, कि जो ढो के ले जाना है लकड़ियां जो काटी हुई है, तो बफेलोज दे हैव टू प्रोवाइड फ्री लेबर्स एंड बफेलोज फॉर कटिंग एंड ट्रांसपोर्टिंग टिम्बर्स। और ये जो पूरा सिस्टम था फ्री लेबर का, ठीक है, तो दिस सिस्टम ऑफ प्रोवाइडिंग फ्री लेबर्स वॉज नोन एज ब्लैंक डॉन्ग डिंगस्टन। ठीक है, तो ब्लैंक डॉन्ग डिंगस्टन सिस्टम के नाम से जाना जाता था ये सिस्टम। ठीक है, अब सवाल क्या बनता है, एक्सप्लेन द सिस्टम ऑफ ब्लैंक डॉन्ग डिंगस्टन। अब ब्लैंक डॉन्ग डिंगस्टन सिस्टम क्या था, तो आप ये पूरी कहानी लिख देंगे क्या, कि ब्रिटिश जो डच ऑफिशियल्स थे, दे रिक्वायर्ड लेबर, लेबर टू कट द ट्रीज एंड टू ट्रांसपोर्ट द लॉग्स प्रिपेयर्ड बाय द स्लीपर्स, देयरफॉर व्हाट डिड दे डू। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, दे फर्स्ट इंपोज द रेंट, देन दे एग्जेम्प्टेड सम विलेजर्स फ्रॉम दीज रेंट्स, और फिर उसके बाद में दूसरी कंडीशन उन्होंने क्या रखी, दूसरी कंडीशन ये रखी है कि बदले में उन्हें क्या करना पड़ेगा, रेंट नहीं देना है, लेकिन रेंट ना देने के बदले में फ्री लेबर और बफेलो प्रोवाइड करना पड़ेगा। और दिस सिस्टम, ठीक है, फ्री लेबर प्रोवाइड करने का सिस्टम जो डच ने इंट्रोड्यूस किया था जावा में, वो क्या कहलाया, ब्लैंक डॉन्ग डिंगस्टन सिस्टम। ठीक है, तो दिस सिस्टम ऑफ प्रोवाइडिंग फ्री लेबर वॉज नोन एज ब्लैंक डॉन्ग डिंगस्टन। लेटर ऑन दे वर गिवन स्मॉल वेजेस बट राइट टू कल्टिवेट वॉज रिस्ट्रिक्टेड। बाद में लेकिन उन्हें क्या कर दिया गया, छोटे छोटे मतलब कुछ कुछ पैसे वेजेस के फॉर्म में दिए गए, लेकिन राइट टू कल्टिवेट वॉज रिस्ट्रिक्टेड। कल्टिवेट टू रिस्ट्रिक्टेड मतलब क्या है, कि खेती वगैरह को रिस्ट्रिक्ट करके रखा था, कि ऐसा ना हो कि लोग जो है खूब पैसा कमाने लगे तो वो हमारे लिए फ्री लेबर का काम ही ना करें फिर। ठीक है, तो इसके लिए क्या है, लेबर अपना इंश्योर करने के लिए उन्होंने ये पूरा तामझाम किया था। फाइन, तो समझ में आया ना, डच साइंटिफिक फॉरेस्ट्री क्या है, ब्लैंक डॉन्ग डिंगस्टन सिस्टम क्या है, वो कहानी पूरी ध्यान रखना, किसी भी तरह से सवाल बन के आए तो सवाल के लिए तैयार रहना, तत्पर रहना। आगे अगर बढ़े एक कदम, तो यहां पे लेकिन इस पूरे सिस्टम को, जहां पे जो कि दिख रहा था क्लियरली अत्याचार कर रहे हैं डच लोग, इस पूरे सिस्टम को समिन ने चैलेंज किया, और वही क्या कहलाया, समिन्स चैलेंज कहलाया।
तो सुरंतिको सेमिन, ठीक है, सुरंतिको सेमिन कौन थे ये, अब ये समझो, तो ही वॉज द इंडिविजुअल हु लिव्ड इन दी रंदुब्लंगतुंग, ठीक है, रंदुब्लंगतुंग विलेज हैविंग टीक फॉरेस्ट, जावा के ही एक गांव में, उस गांव का नाम था रंदुब्लंगतुंग, ठीक है, तो इस गांव में वो रहते थे. ही बिगेन क्वेश्चनिंग द स्टेट ओनरशिप ऑफ फॉरेस्ट, उन्होंने सवाल उठाया सबसे पहले, बोला कि जंगलों पर कब्जा ये जो बाहर से डच ऑफिशियल्स आए इनने कैसे कर लिया, जंगल इनके तो है नहीं, हमारे भी नहीं है तो तुम्हारे भी नहीं है, तुम्हें किसने हक दिया कि तुम जंगलों को अपना जंगल बता दो और हमारे ऊपर टैक्स लगा रहे हो, हमें नहीं काटने दे रहे हो, ठीक है. तो ही बिगेन क्वेश्चनिंग द स्टेट ओनरशिप ऑफ द गवर्नमेंट, मतलब क्योंकि उस समय तक सरकार किसकी बन गई थी, उस समय तक सरकार जैसे देखोगे तो डच गवर्नमेंट थी वहां, तो समिन जो थे सुरंतको समिन, ही चैलेंज द स्टेट ओनरशिप ऑफ फॉरेस्ट, उन्होंने कहा कि हाउ द स्टेट गवर्नमेंट गॉट द पावर टू क्लेम द ओनरशिप ऑफ फॉरेस्ट, ये जो जंगल है उनका आर्ग्यूमेंट क्या था, His argument was that the wind, water, earth and wood was not created by state. उनका ये कहना था कि जब ये हवा, ये पानी, ये जमीन, ये जंगल तुमने बनाई नहीं है तो तुम उस पर क्लेम कैसे कर सकते हो कि ये तुम्हारा है, समझे, जब तुमने बनाया ही नहीं है तो उस पर क्लेम कैसे कर सकते हो कि ये तुम्हारा है, therefore state should not own it, ठीक है. और इसी का चलते स्टेट जो है, सरकार जो है, तो सरकार को इन सारी चीजों पे अधिकार जताने का भी कोई हक नहीं है, सही बात है, बात तो सही बोली, ठीक है, ये बड़ी अच्छी बात बोली उन्होंने. तो सून हिज आइडिया टर्न इनटू अ वाइडस्प्रेड मूवमेंट, ठीक है, एंड दिस वाज डन बाय हिज सन इन लॉज, तो इनके जो दामाद थे सुरंतिको समिन के, उन्होंने इस आइडिया को पूरे जावा में फैलाया और इस तरह से क्या है, ये आइडिया जो एक आइडियोलॉजी में कन्वर्ट हो गया, ये समिन्स चैलेंज कहलाया. What was Samin's challenge? Who was Surantiko Samin? इस तरह से क्वेश्चन आ सकता है, ध्यान रखिएगा. तो Surantiko Samin रंदुब्लंगतुंग गांव में रहने वाले इंडिविजुअल थे जिन्होंने ये क्वेश्चन किया स्टेट ओनरशिप को, और उन्होंने आर्ग्यूमेंट दिया कि when these things were not created by the state, so how can the state or the government claim these things? और उनके आइडिया को जब फॉलो किया तो सेमिनिस्ट प्रोटेस्टेड बाय लाइंग डाउन ऑन देयर लैंड when the Dutch came to survey it, while other refused to pay taxes or fines. और परफॉर्म लेबर, तो इस तरह से क्या है कि जो समिनिस्ट थे, जो समिन के आइडियोलॉजी में विश्वास रखते थे, वो लोग क्या करते थे, लेट जाते थे जमीन पे जब सर्वे करने के लिए आते थे कि मेरी छाती पे से निकल के जाना पड़ेगा, उस टाइप से, ठीक है. अगली चीज क्या है, टैक्स वगैरह नहीं देते थे, ये सारा सब कुछ आपको देखने को मिलता है. तो बाय 1907 3000 फैमिलीज वर फॉलोइंग हिज आइडिया, तो 1907 तक क्या हो रहा है कि 3000 परिवार जो है सुरंतिको समिन के इस आइडिया को फॉलो कर रहे थे. समिन्स चैलेंज क्या था, जहां पे सुरंतिको समिन ने सीधे स्टेट की आंखों में आंखें डाल के चैलेंज कर दिया कि यू कैनॉट क्लेम ऑन दीज नेचुरल रिसोर्सेस, समझ में आया. तो डच फॉरेस्ट्री, समिन्स चैलेंज, ब्लैंगडोंग डिंगस्टन सिस्टम, वुडकटर्स ऑफ जावा, जो कलंस थे, इतने सारे टॉपिक क्लियर हुए, छोटे छोटे टॉपिक्स है. आगे अगर बढ़े तो वॉर एंड डिफॉरेस्टेशन. अब देखो जावा जो है इंडोनेशिया का जो पार्ट है, इट वॉज दी पार्ट, इट वॉज दी एरिया कॉलोनाइज बाय दी डच. अब जब वॉर होता है ना, तो वॉर के कारण यहां पे बहुत ज्यादा डिफॉरेस्टेशन हुआ. वॉर कौन सा वॉर, तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकंड वर्ल्ड वॉर, ये जो वॉर्स हुए, तो इन वॉर्स में बहुत ज्यादा डिफॉरेस्टेशन हुआ है, ठीक है. तो हाउ दी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर लेड टू दी डिफॉरेस्टेशन इन जावा, ऐसा क्वेश्चन आ गया. तो वॉर से डिफॉरेस्टेशन कैसे हुआ वो कहानी समझो अब जरा. तो दी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड दी सेकंड वर्ल्ड वॉर हैड अ मेजर इंपैक्ट ऑन फॉरेस्ट. सवाल है हाउ, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकंड वर्ल्ड वॉर से बहुत भारी नुकसान हुआ जंगलों को. जंगल, अब आप बोलोगे सर पेड़ कब से लड़ने जाने लगे लड़ाइयों में, तो पेड़ लड़ने नहीं गए थे मतलब वॉर में, लेकिन फिर भी नुकसान कैसे हुआ वो मैं समझाता हूं. तो इंडिया में जैसे आप केस देखोगे तो इंडिया में क्या है, कटिंग ऑफ ट्रीज, अबेंडनिंग ऑफ वर्किंग प्लान टू मीट दी वॉर नीड. अब वॉर नीड में क्या, देखो उस समय पर जैसे लड़ाइयां लड़ी जा रही है, तो मैंने बताया कि उस समय पर जैसे शिप वगैरह जो बनते थे लकड़ी से बनते थे, क्लियर हुआ. तो बहुत ज्यादा क्या हो रहा है कि वॉर नीड जो है, तो वॉर नीड्स को पूरा करने के लिए जो उनका प्लान रहता था ना, कैसा प्लान रहता था कि इतने पेड़ पहले बड़े होंगे फिर ये वाले काटेंगे, जो साइंटिफिक फॉरेस्ट्री के नाम पे पूरा प्लान बनाते थे ना, जो डेट्रिक ब्रेंडीज आए थे उन्होंने डिफाइन किया था कि कितने एरिया को प्लांट करेंगे कितने एरिया को काटेंगे. तो अब जब वॉर नीड पूरा करना है तो उन्होंने बोला कि प्लान को डालो चूल्हे में, फटाफट क्या करते हैं पेड़ काटते हैं ताकि हमारी नीड, वॉर नीड्स पूरी हो सके. तो वही चीज यहां पे समझाना कि वॉर के टाइम पीरियड में बहुत ज्यादा डिफॉरेस्टेशन हुआ. तो एज इन द केस ऑफ इंडिया, ट्रीज वर कट ऑन अ लार्ज स्केल, अबेंडनिंग द वर्किंग प्लान, तो जो प्लान बनाया था उन्होंने वही प्लान को ताक पर बिठाया और पेड़ अंधाधुन काटे गए, ठीक है, ताकि वॉर नीड्स पूरी हो सके. ठीक वैसे ही अगर आप जावा में केस देखोगे तो व्हाट वाज द केस इन जावा, तो एज द जापानीज वर गोइंग टू ऑक्यूपाई द रीजन, डच फॉलोड द स्क्रॉस्ड अर्थ पॉलिसी. ये स्क्रॉस्ड अर्थ पॉलिसी क्या है वो समझा रहा हूं. ये जापानीज कहां से आ गए जावा में, सर कुछ समझ नहीं आ रहा, डर लग रहा है, डरो मत, समझाता हूं. देखो क्या है, तो वॉर के टाइम पीरियड में डिफॉरेस्टेशन कैसे हुआ, तो इन जनरल मैंने आपको बताया कि लड़ाई के समय पे सारे वर्किंग प्लान वगैरह सब भूल जाया करते थे,
लेकिन स्पेसिफिकली इंडोनेशिया की अगर बात करें तो जैसे आपको क्या देखने को मिल रहा है कि जावा का जो आइलैंड है, ठीक है, सुमात्रा का जो आइलैंड है, ये बोर्नियो वगैरह जैसे अगर आप देखेंगे तो यहां पे क्या हो रहा है कि ये जापान है, किधर गया, ये जापान है, ठीक है, ये जापान है। तो जापान क्या करता फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम पीरियड में, आपको एक चीज बताऊं, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हो गया, सेकंड वर्ल्ड वॉर हो गया, सेकंड वर्ल्ड वॉर में जैसे अगर आप देखेंगे तो जापान जो है, तो ये सेकंड वर्ल्ड वॉर का ही वो दिया गया है, जापानीज फोर्सेज जो थी, जापानीज फोर्सेज वर सिटिंग ओवर हियर, इंडिया के नॉर्थ ईस्ट में जापानीज फोर्सेज आ गई थी, ठीक है, कब तक, 1942 तक, ठीक है, 1942 तक क्या हो रहा था, इतना पूरा एरिया जो है जापानीज फोर्सेज ने कब्जा कर लिया था। मतलब आप देखो ये पूरे रीजन में जापान ही जापान दिख रहा है आपको, पिंक और जो व्हाइट कलर दिख रहा है, ठीक है। तो अब जापान ने क्या कर लिया था, जापान ने जावा में भी हमला कर दिया था, सेकंड वर्ल्ड वॉर का केस बता रहा हूं। अभी जावा में कौन रूल कर रहा था जापान के घुसने के पहले, डच, ठीक है, नीदरलैंड के रूलर्स यहाँ पे कॉलोनी बना के बैठे थे। अब लेकिन क्या है कि जब जापानीज फोर्सेस घुसना शुरू करती है जावा में, अच्छे से समझना, कंफ्यूज मत होना, तो वर्ल्ड वॉर चल रहा है ना, तो मार रहे पीट रहे सब एक दूसरे को। तो क्या हो रहा है कि जब जापानीज फोर्सेस एंटर करती है कहां पे, जावा के आइलैंड्स में, तो यहां आपको यह देखने को मिलता है कि जो पहले से लोग थे, कौन थे, डच ऑफिशियल्स, डच ऑफिशियल्स को यह डर लगा कि यार जापानीज फोर्सेस आ रही है, तो मतलब ऐसा कभी कभी ऐसा होता है ना कि किरण तुम मेरी नहीं हो सकी तो तुम किसी की नहीं हो सकती हो, तो वही यहां पे भी हुआ केस। क्या केस हुआ कि यहां जो पहले से डच फोर्सेस थी, उन डच फोर्सेस ने सोचा कि हमने जो इतने सारे पेड़ काटे हैं, इनके स्लीपर बनाए, इनके लॉग्स बनाए, ये सबका एडवांटेज तो अब जापानीज लोगों को मिल जाएगा, मतलब उन्हें तो एक तरह से ट्रेजर हंट मिल गया, ठीक है। तो उन्होंने क्या बोला डच गवर्नमेंट ने कि ना हमारा हो सका तो किसी का नहीं हो सकता, तो उसके चलते उन्होंने क्या कर दिया कि जितने भी उन्होंने लकड़ियां वगैरह संभाल के रखी थी सबको जला दिया, ठीक है, सबको जला दिया, समझ रहे हो। तो ये किस केस समझना है आपको कि जापानीज एज द जापानीज वर गोइंग टू ऑक्यूपाई द रीजन, तो जो डच ऑफिशियल्स थे दे फॉलोड द पॉलिसी ऑफ स्क्रॉच्ड अर्थ। स्क्रॉच्ड अर्थ की पॉलिसी क्या कहती है देखो, तो डच कॉलोनियल ऑफिसर्स डिस्ट्रॉयड सॉ मिल्स एंड बर्नड ह्यूज पाइल्स ऑफ जाइंट टीक लॉग्स। तो जो 100 मील थी जहां पे लकड़ी से स्लीपर, लकड़ी काट काट के स्लीपर बना रहे थे, जो उन्होंने 100 मील पूरी मैनेज करी थी, जो ह्यूज पाइल्स इकट्ठे किए थे उन्होंने पूरे के पूरे, क्या है जैसे बहुत सारे उन्होंने क्या है बहुत सारे उन्होंने जाइंट टीक लॉग्स वगैरह इकट्ठे करके रखे थे, उस सबको जलाना चालू कर दिया डच कॉलोनियल ऑफिसर्स ने। क्यों जलाना चालू कर दिया, सिंपल सा केस है, सो दैट द जापानीज डिडंट गेट दिस, मेरी नहीं हो सकी तो किसी की नहीं, उस टाइप से, ठीक है। तो जापानीज जो थे, जापानीज लोगों को ना मिल पाए इस कारण से उन्होंने क्या कर दिया, जलाना शुरू कर दिया, ठीक है। तो एट द सेम टाइम जापानीज ऑल्सो एक्सप्लॉइटेड द फॉरेस्ट रेकलेसली फॉर वॉर इंडस्ट्रीज, और जापानीज ने भी अपना घात लगा ही लिया था, उन्होंने सोचा कि अब अपना देश तो है नहीं, तो उन्होंने भी अंधाधुन तरीके से जितने खड़े हुए पेड़ थे उनको काटना चालू कर दिया। तो वॉर के कारण कितना डिफॉरेस्टेशन हुआ वो समझा रहे हैं, हाउ डिड द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड द सेकंड वर्ल्ड वॉर लेड टू द डिफॉरेस्टेशन, जापानीज इन्वेशन से कैसे डिफॉरेस्टेशन हुआ, समझ में आया। तो जापानीज फोर्सेस जब अंदर घुस गई जावा में, तो उन्होंने देखा कि इन्होंने तो जला ही दिया जो इकट्ठा किया था, अब जो बचे हैं जो खड़े हुए पेड़ उनको काटो, अपनी जरूरतें तो पूरी करना है ना। तो इस तरह से वॉर के शेडो में बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्शन हुआ, ठीक है। और अब आप बोलोगे क्या कि अब जैसे अब क्या हो गया कि डच चले गए, जापानीज पूरी तरह से आए नहीं है, तो अब क्या हो रहा, कोई सरकार नहीं है, कोई मैनेजमेंट नहीं है, कोई गवर्नमेंट नहीं है, तो इसके चलते एक वैक्यूम ऑफ पावर क्रिएट हुआ कि मतलब अभी कोई सरकार है ही नहीं। दो मिनट के अगर सोच लो, लॉ एंड ऑर्डर नहीं हो, कोई देखने वाला ना हो, कोई सरकार ना हो, कोई पुलिस ना हो, तो लोग क्या करेंगे, जो पावरफुल होंगे, जो लोग अपने पड़ोसी कमजोर होंगे उनके ऊपर कब्जा करना चालू कर देंगे, सारी चीजें अराजकता फैल जाएगी ना। तो वही यहाँ पे हुआ कि जब कोई था नहीं, डच चले गए, जापानीज आए नहीं पूरी तरीके से, तो जो विलेजर्स थे ना, विलेजर्स ने इस अपॉर्चुनिटी को अपनी कल्टीवेशन लैंड एक्सपैंड करने का मौका पाया। क्यों, उन्होंने बोला जंगल खड़े काटते चलो जंगल को, और इसको अपना खेत बनाओ, ठीक है। तो देख लो वॉर की शेडो में कितना ज्यादा डिफॉरेस्टेशन हुआ, ठीक है। तो जब डच भाग के जा रहे थे, जापानीज आए नहीं थे, तो विलेजर्स ने सोचा कि मौका है, चौका मार लो, तो उन्होंने जंगलों को काट काट के अपनी कल्टिवेबल लैंड बढ़ा ली, ठीक है, क्योंकि उस पर खेती कर लेंगे, तो उन्होंने जंगल साफ करते चले गए वो भी, ठीक है। सब मिलके क्या कर रहे थे, जंगल काट रहे थे बस, ठीक। तो व्हाट वाज द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट डूइंग, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट था ही नहीं, ठेंगा, क्यों, क्योंकि फॉरेस्ट जब डच ऑफिशियल्स नहीं बचे तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट कहां रह जाएगा। सो दिस ऑल लेड टू द ह्यूज डिफॉरेस्टेशन, और इन सारे फैक्टर्स के चलते आपको देखने को मिलता है कि अल्टीमेटली पे किसको करना पड़ा, जंगलों को, वो जो बेचारे पेड़ खड़े हुए थे, तो देवर लाइक मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, ठीक है, वो वाला केस था यहाँ पे, समझ में आया। तो दिस वॉज स्क्रॉच्ड अर्थ पॉलिसी, स्क्रॉच्ड अर्थ पॉलिसी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर सेकंड वर्ल्ड वॉर से कैसे डिफॉरेस्टेशन हुआ, वो सारे पॉइंट्स समझ में आया, वो सारे पॉइंट्स लिख दिए। अब लास्ट टॉपिक जो है चैप्टर का, ठीक है, सब टॉपिक जो और है वो क्या है, न्यू डेवलपमेंट इन फॉरेस्ट्री। अब आपने जैसे देखा
तो साइंटिफिक फॉरेस्ट्री इंट्रोड्यूस करी अलग अलग कंट्रीज में कॉलोनियल गवर्नमेंट्स ने, लेकिन उन साइंटिफिक फॉरेस्ट्री से ज्यादा कुछ मिला नहीं, उल्टा आपको देखने को मिला कि पीपल स्टार्टेड रेबेलिंग, रेबेलियंस इन फॉरेस्ट देखने को मिले आपको, चाहे वो जावा की बात कर लो चाहे आप इंडिया की बात कर लो। ठीक है, तो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द होल चैप्टर, तो पूरे चैप्टर में आपने ये देखा कि जंगलों को बचाया नहीं गया, हर केस में क्या हुआ, कॉलोनियलिज्म ने फॉरेस्ट सोसाइटी को अफेक्ट किया और जंगलों को अफेक्ट किया। ठीक है, तो सवाल ये है कि हाउ शुड वन कंजर्व द फॉरेस्ट, तो जंगलों को फिर कंजर्व कैसे करेंगे, सब अपने अपने स्वार्थ, सब अपनी अपनी रोटी सेक रहे हैं। ठीक है, तो जंगलों के बारे में कौन सोचेगा, तो सिंस 1980s गवर्नमेंट अक्रॉस एशिया एंड अफ्रीका रियलाइज द कन्फ्लिक्ट इन साइंटिफिक फॉरेस्ट, ने समझ में आया कि साइंटिफिक फॉरेस्ट्री से कुछ होना जाना नहीं है। ठीक है, उल्टा क्या हो रहा है, डिफॉरेस्टेशन हो रहा है और एज सच कोई मेजर अचीवमेंट साथ लग नहीं रहे हैं, तो देयरफॉर कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट रेदर देन कलेक्टिंग टिम्बर हैज बिकम अ मोर इंपॉर्टेंट गोल। तो फिर लोगों को समझ में आया कि कंजर्वेशन ज्यादा जरूरी है टिम्बर कलेक्ट करने से, क्योंकि टिम्बर कलेक्ट करके आप कितना ही ग्रो कर लोगे, लेकिन अगर फॉरेस्ट नहीं रहे तो एक टाइम पे इकोलॉजिकल क्राइसिस और आना शुरू हो गए थे, ग्लोबल इकोलॉजिकल क्राइसिस आपको देखने को मिल रहे हैं, समस्याएं प्रॉब्लम्स देखने को मिल रही है, चेंजिंग एनवायरमेंट, चेंजिंग क्लाइमेट, ये सारी चीजें। तो कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट बिकेम द सेंट्रल इशू। ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट रेदर देन कलेक्टिंग टिम्बर हैज बिकम मोर इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो फिर क्या होता है, पीपल हु लिव नियर द फॉरेस्ट मस्ट बी इंक्लूडेड इन कंजर्वेशन। इसी के चलते जो लोग जंगलों के आसपास रहते हैं उन्हीं लोगों को क्या किया जाए, कंजर्वेशन प्लान में इंक्लूड किया जाए, इस चीज का आइडिया दिया गया। तो पीपल हु लिव नियर द फॉरेस्ट मस्ट बी इंक्लूडेड इन कंजर्वेशन। एंड व्हाई वाज दिस इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये चीज समझ आ रही थी क्या, कि जो लोग जंगलों के आसपास रहते हैं तो पीपल वर ऑलरेडी प्रोटेक्टिंग फॉरेस्ट इन द नेम ऑफ सैक्रेड ग्रुप्स। सैक्रेड ग्रुप्स का मैं आपको आइडिया समझाता हूँ। सैक्रेड ग्रुप्स ऐसा होता है, जैसे हम क्या है, हम बनियन ट्री की पूजा करते हैं, हम पीपल के पेड़ की पूजा करते हैं, तो आप क्योंकि पूजा करते हैं तो चाहे आदमी डर के सैक्रेड क्वालिटीज अटैच करके क्या करता है, उस पेड़ को काटता नहीं, नुकसान नहीं पहुंचाता, उल्टा क्या करता है, उसको पूज नहीं समझ के उसको प्रिजर्व करता है, कंजर्व करता है। तो यहां पे एक चीज समझ में आएगी, कंजर्वेशन में आपको लोगों को दूर नहीं करना है, इनफैक्ट जो लोग जंगलों के आसपास रह रहे हैं उन्हें आप इंक्लूड करो, क्यों, क्योंकि वो ही तो कंजर्व कर रहे हैं। ठीक है, विलेज पेट्रोलिंग देयर ओन फॉरेस्ट। तो आप जैसे ऐसे एग्जांपल देखने को मिलते हैं जहां पे क्या है, गांव के लोग जंगलों को नुकसान नहीं पहुंचा रहे, उल्टा क्या है, वही जंगलों को प्रोटेक्ट करते हैं, पेट्रोलिंग करते हैं कि कोई पेड़ काट के ना ले जाए, फॉरेस्ट को कंजर्व करते हैं। तो पीपल्स पार्टिसिपेशन वाज द न्यू आइडिया विच कुड हेल्प अस टू कंजर्व द फॉरेस्ट। ठीक है, बिकॉज इन मेनी केसेस लोकल कम्युनिटीज कंट्रीब्यूटेड इन अलॉट इन कंजर्वेशन, एंड हियर आर द एग्जांपल्स। तो सेक्रेट ग्रुप्स की बात कर लो, या फिर लोग जो पेट्रोल कर रहे हैं, किस चीज को पेट्रोल ले रहे हैं कि निगरानी करना है, जैसे पुलिस पेट्रोलिंग करती है ना, वो चीज, पेट्रोल से वो पेट्रोल मत समझ लेना। ठीक है, तो ये केस था। तो इसके चलते क्या है, दिस ओपन सम एन अपॉर्चुनिटी ऑफ थिंकिंग ऑफ डिफरेंट टर्म्स ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट, जहां पे आपको कोई साइंटिफिक फॉरेस्ट्री, कोई स्ट्रिक्ट फॉरेस्ट लॉस की जरूरत नहीं है। यू आर रिक्वायर्ड टू वर्क विद द फॉरेस्ट कम्युनिटीज, यू आर रिक्वायर्ड विद द रिक्वायर्ड टू वर्क विद दोस पीपल हु लिव नियर द फॉरेस्ट, उससे चीजें आसान होगी। क्लियर हुआ? सो दिस वॉज द होल स्टोरी एंड आई होप यू पीपल एंजॉयड इट। आपको सारी चीजें क्लियर हुई, समझ में आई बेहतरीन तरह से, सारा सब कुछ क्रिस्टल क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट, दैट इज द पॉइंट। ठीक है, पॉइंट अगली चीज, मेरे जो बैचेस हैं, तो वो उमंग बैच जो है क्लास 10th के लिए अभी स्टार्ट हुआ है 30th सितंबर से, 9th की क्लास जो होती है, तो 9th की क्लास 8:45 से रहती है 9:45 तक, मंडे ट्यूजडे वेडनेसडे क्लास रहती है अनअकैडमी प्लस पर। इफ यू गाइज आर प्लानिंग टू टेक अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन, दिस इज द राइट टाइम आई वुड से। क्यों? क्योंकि अभी 11 से 14 अक्टूबर के बीच में अनलॉक 20 ऑफर चल रहा है। अनलॉक 20 में यू विल गेट 20% ऑफ ऑन द सब्सक्रिप्शन विच यू आर टेकिंग जस्ट विथ अ सिंपल स्टेप, यू हैव टू यूज द कोड DIGRAJ दिगराज। ठीक है, तो इस कोड का इस्तेमाल करेंगे अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते समय, तो यू विल गेट 20% डिस्काउंट इन दिस टाइम पीरियड। तो इसी नोट पे हम चैप्टर को कंप्लीट करते हैं। मैं ये उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोगों को सारी चीजें बेहतरीन तरह से समझ में आई है, और इस नोट पे हमारा चैप्टर आज का समाप्त होता है। तब तक आप अपना ध्यान रखिए। अब एक चैप्टर बचा है क्लास 9 का, जो है पेस्टोरलिज्म एंड दी, जो लास्ट चैप्टर है आपका पेस्टोरलिज्म इन दी मॉडर्न वर्ल्ड वाला, उस चैप्टर को हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो से, अगला चैप्टर वही स्टार्ट करेंगे। तब तक अपना ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए। अभी के लिए साइन ऑफ करता हूं, साइनिंग ऑफ विद दिस, टुगेदर वी कैन वी विल। थैंक यू वेरी मच।